हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत। मैं आपको बता दूं ओला या सोन का प्राइस क्या होगा। दोस्तों इसमें आपको काफ़ी कलर अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हो। जैसे कि आप देखिए, इतने कलर अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं ओला में। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। इसमें इतने कलर मिलते हैं कि आप इससे एक तिरंगा भी बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये मैन्युफैक्चरिंग का कुछ इमेज है, आपके सामने शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। और इसमें भी आपको कुछ इस तरह से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसका जो मोटर है, और ये आपको ग्लेशियर में इतना वाइट है कि आप इसे ग्लेशियर भी समझ सकते हैं। इसके प्राइस की बात करें तो आपको दो वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। S1 आपको 2 किलोवाट का देखने को मिल जाएगा 88,925 रुपये, और 3 किलोवाट का मिलेगा आपको 1,05,621 रुपये। ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो राइडिंग रेंज है दोस्तों, वो 92 किलोमीटर का है। और ए टी लैंप है, आपको LED टी लैंप देखने को मिल जाता है। टॉप स्पीड की बात करें तो 90 किलोमीटर पर आवर्स देखने को मिल जाती है। और इसको इंडिकेटर देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको डिजिटल मीटर भी देखने को मिल जाएगा। और बैक का इंडिकेटर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। और रही बात इसकी सीट की, तो कुछ इस प्रकार से आपको 2 सीटर देखने को मिल जाता है। हैंडल बार आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। और इसका चार्जिंग इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा इसका वायर देखने को मिल जाता है, लेंथ काफ़ी अच्छा मिलेगा इसका। और इसका जो चार्जिंग पोर्ट है आपको पीछे देखने को मिल जाता है। और इसकी वेट आपको 115 kg देखने को मिल जाती है। बूट स्पेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। और इसका जो फ्रंट लुक है, कुछ इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। और इसकी बैटरी चार्जिंग टाइम की बात करें तो आपको 4 घंटे में आपको फुल चार्ज कर देगी। और जो इसका स्विच है राइट साइड का, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। और लेफ्ट साइड का कुछ इस प्रकार से आपको स्विच देखने को मिल जाता है। इसका जो मिरर है, कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। रेटेड पावर आपको 5,500 वाट का देखने को मिल जाता है। जो सीट हाइट है, आपको 792 mm सीट हाइट देखने को मिल जाएगा। और इसमें भी आपको LED देखने को मिल जाता है, जो फ्रंट का है। और इसका हेडलाइट है, उसमें भी आपको LED देखने को मिल जाएगा। कलर की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी कलर, मल्टीपल कलर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, येलो है, और पिंक है। दोस्तों पिंक सबसे अच्छा कलर देखने में लगता है, जो कि सबसे अलग बनाता है। जो येलो है, ये भी आपको चटक कलर देखने को मिलेगा। जो ये पिंक है, कुछ अलग है। और ये ग्रे है, ये भी काफ़ी सही है दोस्तों देखने में। और ये ब्लू है, जो डार्क ब्लू है। और ये ब्लैक है, फुल ब्लैक देखने को मिल जाएगा, पूरी काली। और ये ऑरेंज कलर देखने को मिल जाता है, ये भी काफ़ी सही है। अगर आप EMI पे लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम EMI का भी आपको जानकारी दे देंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।